जायका खत्म हो जामन वाली शय है, जायका मुस्तकिल नहीं है, जायका आरजी कैफियत है, मौत ने जायके दी की मजाल है, हजरत इंसान वर की हकीकत नु खत्म करे। कुरान ने फरमाया, मैं अर्ज कर रहा हूं रूह क्या है, रूह क्योंकि मौत रूह नु नहीं, मौत का नफ्स नु है, रूह है क्या? कुरान फरमा रहा है आदम दा बुत तैयार होया, आदम बुत तैयार कीता गया, फरिश्तियां नु हुक्म होया, मिट्टी गूंदी गई, बुत तैयार होया, जिस वे बुत तैयार हो गया उस वे अल्लाह फरमाइंदा है वना फक्तु फीहि मिन रूही, मैं आदम दे विच अपनी रूह फूंक दी, वना फक्तु फीहि मिन रूही अपनी रूह, ये रूह है कि आई कि थूं, वो फरमा रहे है कि मेरी है, वना फक्तु फीहि मिन रूही, मैं अपनी रूह आदम विच फूकी है, आदम का बुत बनाकर उसमें समा गया हूं, वैसे भी मैं खुदा था ऐसे भी मैं खुदा। वो है मन लियम, आदम का बुत बनाकर उसमें समा गया हूं, वैसे भी मैं खुदा था ऐसे भी मैं खुदा हूं, खुद मैंने ही बताया ये राज़े कुंतु कंसन कुंतु कंसन रखियन कहा वक्त वाला, खुद मैंने ही बताया ये राज़े कुंतु कंसन, अब आदमी की सूरत जलवा नमा हुआ। रूह कितनी आई, वना फक्तु फीहि मिन रूही, वो फरमा रहा है मेरी रूह है, मैं जिसमें आदम को फूंक दी थी जैसे रूह फूंक दी थी उसे फरमाइंदा है। कुरान ने फरमाया फरिश्तियां नु हुक्म होया उस जुदुली आदम आदम नु सजदा करो, आदम नु सजदा करो, मालूम होया सजदा आदम दे बुत वास्ते नहीं, सजदा आदम दे जिस्म वास्ते नहीं हा, सजदा किस वास्ते हा, सजदा ता उस रूह वास्ते हा जिड़ा वो फरमा रहा है कि मेरी, सजदा सजदा रूह वास्ते है, वो फरमा रहा है मेरी रूह है, असियां ने साडी रूह है, असियां ने साडी है, वो फरमाइंदा है भई मैं ही मैं हां, कान अल्लाह वलम यकुन माहु शय, वो फरमाइंदा है मैं ही हां और कोई शय नहीं है, असिया ने भी असी हां है साडे सिवा और कोई शय, ये नफ्स है और मौत इस नफ्स वास्ते, मैं अर्ज की रूह हकीकत है रूह, और रूह याद रखिए, याद रखिए हजरात मोहतरम, रूह अपनी हकीकत की तरफ लौटना चाहती है, रूह अपने असल की तरफ पलटना चाहती है, रूह तकलीफ से पहले का जहां मांगती है, मंबा इसरारे यजदानी मकाए बारे रहमानी आशिके कुत्बे रब्बानी हजरत सैयद शेर मोहम्मद गीलानी कादरी फतापुरी कद्दस अल्लाह सिरह नूरानी आप फरमाइंदे हैं हे हुसन तेरे दी, हे हुसन तेरे दी लगी तांग चरो की, जद अलस्त फरमायोई होइयां मस्त तदो की, रूह पुकार रही है, रूह पुकार रही है, हे हुसन तेरे दी लगी तांग चरो की, जद अलस्त फरमायोई होइयां मस्त तदो की, जागे शौक पुराने नहीं गल अजो, जागे शौक पुराने नहीं गल अजो की, झोला गैर की जाने कुछी रंग अनोखी, रूह अपनी हकीकत नू तलाश करनी है, रूह अपनी हकीकत नू पहचानती है और उस हकीकत की तरफ वापस पलटना
चाहती है। याद रहे मैं अर्ज की थी, ओ फरमाया भाई रूह मेरी है जेड़ी मैं जिसमें आदम दे विच फूंक दित्ती, ते मौत उस रूह नू है ही नहीं। अल्लाह दी रूह नू किदू मौत आवे, उस दी जो है जो उसकी साड़ी तक उसकी है। मौत रूह नू नहीं, मौत का नफ्स है, नफ्स ही थोड़ी शय है। इतों की शय की है, नफ्स है, रूह इतों की शय है ही नहीं, रूह तो इतों की है ही नहीं। ख्वाहिशात नफसानिया, तमा, लालच, हवस, हिरस, जमीनां दी, जायदादां दी, जागीरां दी, ओहदियां दी, मनसबां दी, प्रॉपर्टी दी, लालच, तमा, नफरतां, बोझ, कदूरतां, ये नफ्स है। और ये शय कित्थों दी है? ये इत्थों दी शय है। इस नफ्स पलीत पलीत चा कीता, कोई असल पलीत का नफ्स है। असल पलीत, असल पलीत नहीं है। कैसे हुए हैं? ख्वाहिशात नफसानिया के गंध में जब मुब्तला ते मैं अर्ज की मौत है नफ्स वास्ते, कबरे सारे जाना है, कबरे जिस्म की मंजिल की है, कबर है, कबरे सर किसे जाना है, कबर में उलमा इकराम पूछते हैं, कबर में तीन सवाल किए जा सकते, तीन सवाल। पहला सवाल की है, मर रब्बों का तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल है, मां दीनों का तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल की है, मां कुंता तक बोलू फी हक के हाजर रजुल, ऐ जेड़ी जात सामने खड़ोती, ऐ जेड़ी सूरत सामने है, डोला बन ठन आया बुरके पहन हजारा, ऐ जेड़ी शख्सियत सामने है, इसके बारे को दुनिया दी जिंदगी बेच किया था होगा। तीन सवाल है, तीन सवाल है। लेकिन अर्ज है कि अहले सुन्नत के नजदीक मुस्तनद तरीन मोतबर तरीन कुतब कुरान मजीद के बाद सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ, सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये तीन सवाल कोई नहीं आए, सही बुखारी और सही मुस्लिम में तीन सवाल नहीं आए, सही बुखारी और सही मुस्लिम में एको सवाल आया। सवाल सवाल एको आया है, और वो केड़ा सवाल है? मां कुंता तक बोलो, मां कुंता तक बोलो फी हक के हाजर रजुल, हां भाई हुन दस। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, हुन दस मां कुंता तक बोलो किया दा होना है। ए नहीं पूछा जा सके भाई तू हुन किया दा पे है, सवाल ये नहीं होना भाई हुन किया करया, सवाल ये होसी कि तू की आंदा होना है। जे सिर मिंबरां ते पाए के तकरीरां, जे सिर मिंबरां ते तकरीरां करना है, जे सिर तबलीगां करना है, जे सिर जिहाद करना है, जे सिर पीरी मुरीदी करना है, मेरे महबूब दी शान च की आंदा होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मां कुंता तकूल फी हक के हाजर रजुल, इस शख्सियत के बारे च तू की आंदा होना है। ये सवाल कबर दा की है? इक्को सवाल है, और वो केड़ा सवाल है? वो तीसरा सवाल है, मारिफत मुस्तफा दा सवाल है, पहचान मुस्तफा दा सवाल है। ते पहचान कौन कर सकता? ख्याल कीजिएगा, पहचान कबर इस पहचान कौन कर सी जिसने इथे पहचान की हो सी, जिसने इथे, जिसने इथे पहचानिया हो सी। हजरत सुल्तान अलारिफिन सुल्तान बाहू ने फरमाया भाई जेडे इथे अन्ने ना हो कबर भी अन्ने रस, की मतलब है? मतलब ये नहीं है भी जेडे जाहिरी अख दे नाबीने उस दे उत्ते भी नाबीने रस,
ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅੰਨਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਅੰਨਾ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਫਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਬਰ ਚ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਯਾਰ ਕਲੋਕੜੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਫੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਵੱਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਯਾਰ ਕਲੋਕੜੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਫੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਵੱਤ ਆਇਆ। ਅਲੀ ਹੈਦਰਾ ਉਹੋ ਆਹਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਹਿਮਦ ਬਣ ਕੇ ਵੱਤ ਆਇਆ। ਹਰ ਦਮ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਕ ਨੂੰ ਡੂ ਕਰ ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਕ ਨੂੰ ਡੂ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਕੀਜੀਏਗਾ, ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੂਫੀਆ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੌਲਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦਾ ਫਤਵਾ ਠੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ ਕੀ? ਸੂਫੀਆ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਕ ਨੂੰ ਡੂ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਕ ਨੂੰ ਦੋ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਨਿਯਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰਾ, ਮਨ ਨਿਯਮ ਜਾਨੇ ਜਾਨਮ ਸਿਰ ਦੇ ਸਿਰਮ, ਤਨ ਨਿਯਮ ਨੂਰੇ ਪਾਕਮ ਆਮਦ ਸ਼ੁਦ ਮੁਸ਼ਤਖਾਕ ਹੋਰ ਚਸ਼ਮਾ ਰਾਵਲੇ ਰੋਸ਼ਨ ਨਿਯਮ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮਨ ਨਿਯਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਵੱਲਾ ਹੈ ਯਾਰਾ ਮਨ ਨਿਯਮ, ਐ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਨੇ ਜਾਨਮ, ਇਹ ਜਾਨ ਉਸੇ ਜਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਸਿਰਮ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਉਸੇ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਨਿਯਮ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੂਰ ਪਾਕਮ ਆਮਦ ਸ਼ੁਦ ਮੁਸ਼ਤਖਾਕ, ਪਾਕ ਨੂਰ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਬੁੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੂਰ ਪਾਕਮ ਪਾਕ ਨੂਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਤਖਾਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਨਾ ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਰ ਚਸ਼ਮਾ ਰਾਵਲੇ ਰੋਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਅੰਨੇ ਇਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ।